नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट किस तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए मैं पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास जैसे एक रेक्टेंगल है, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसका अगर हॉरिजॉन्टल साइड अगर मैं पकड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसकी पोजीशन, ये अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है। और यही अगर मैं इसकी वर्टिकल एज पकड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये भी अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है। तो मुझे इसको फिक्स करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि मुझे इसको डायमेंशन देना पड़ेगा। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया मैंने, इसका ये एज पकड़ा और मैंने इसको एक वैल्यू दे दिया, जैसे 150 mm। तो जैसे ही मैंने 150 mm इसको वैल्यू दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये अब साइड इसकी 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, वो 150 पे फिक्स हो गई है। अब अपन को इसकी हाइट फिक्स करनी है, तो हमको इसकी वाली साइड को लेंथ डायमेंशन देना पड़ेगा। तो स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, मैंने ये साइड पकड़ा और मैंने इसको 75 डायमेंशन दे दिया। एस्केप प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्केच है वो मूव तो कर रहा है, मगर उसकी अपनी वो शेप शेप से अपना उसका शेप नहीं बिगड़ रहा है। तो अब ये मूव कर रहा है, तो इसको मूव करने से रोकने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसको एक्सिस से डायमेंशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये सेंटर ओरिजिन है, मैं ओरिजिन से ये साइड को मैं डायमेंशन दे देता हूँ 75/2। और ये वाली साइड को दे देता हूँ मैं डायमेंशन, ठीक है, सॉरी 150 है तो 75। अब जैसे ही मैंने इसको डायमेंशन दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो पूरा स्केच है वो क्या हो गया है, ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर का मतलब ये है कि ये आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंड है। अभी आप स्केच को पकड़ के मूव करेंगे तो ये आपका स्केच मूव नहीं करेगा। और मुझे इन फ्यूचर जो भी स्केचेस बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मेरे जितने भी स्केचेस रहें वो फुल्ली कंस्ट्रेंड रहें। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि मुझे अगर हिस्ट्री में जाके अगर कुछ मुझे स्केच में एडिट करना होगा, तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं किस तरीके से अपने स्केच को एडिट कर पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ डायमेंशन नहीं दूंगा, तो मुझे वो मतलब मेरा मतलब वो तरीका सही नहीं है बिगर डायमेंशन के कुछ भी चीज़ बना देना। चलिए, ये तो बात होगी रेक्टेंगल की। अब आगे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, मैंने सर्कल को ओरिजिन से नहीं बनाया है। अब सर्कल को मुझे फिक्स करना है, मतलब फिक्स इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मैं इसको राइट क्लिक करके फिक्स कर दूं, नहीं, राइट क्लिक करके मैं इसको फिक्स कर दूं तो ये ब्लैक हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल्ली कंस्ट्रेंट है। इसको सिर्फ तुमने एंकर किया है, एंकर से कंस्ट्रेंट करना, फिक्स करना नहीं कहलाया जाता कि वो स्केच आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट है। डायमेंशनिंग से आप उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करिए। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको डायमीटर दे दिया 80, ठीक, एक वैल्यू दे दिया। अब बाकी का वैल्यू क्या देना है कि मुझे इसके सेंटर से ओरिजिन का जो जो वैल्यू रहेगा वो दे देता हूँ मैं। जैसे ये ओरिजिन से रहेगा कम से कम 40 mm, और ये लेंथ रहेगी, मैंने रख दी 50 mm। जैसे ही मैंने इसको लेंथ दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका स्केच है ये हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर मैं जो ओरिजिन से वैल्यू दी उनकी वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा सीधे ओरिजिन पे, ठीक। कुछ इस तरीके से आप स्केचेस को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन रिलेशंस की। अब रिलेशंस में जैसे मेरे पास स्केचेस हैं, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, इंक्लाइंड। कुछ इस तरीके से, और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर रफली मैंने कुछ रैंडमली
स्केच बनाए हैं आपके सामने, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले इन दो लाइंस में के बीच में आपको रिलेशन बताता हूँ क्या होगा। तो मुझे करना क्या है कि मुझे इन दोनों लाइन के बीच में रिलेशन लगाना है, जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं। तो मैं पैरेलल करने के लिए मैं कुछ ये पॉइंट पकड़ के, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये पैरेलल नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमको करना क्या पड़ेगा, हमको सॉफ्टवेयर क्विक के कमांड के थ्रू हम इसको इसमें रिलेशन लगाएंगे। मैंने अगर ये लाइन सेलेक्ट कर ली और एक ये वाली लाइन सेलेक्ट कर ली, अब जैसे दोनों लाइन को सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल प्रेस करके, जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन सेलेक्ट किया और ये वाली लाइन सेलेक्ट किया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास रिलेशंस आ जाते हैं। तो जैसे मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल बन के आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो देखो वर्टिकल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल अंडू करना पड़ेगा उसे। अब अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो देखेंगे दोनों वर्टिकल हो गई, ठीक है, अंडू किया। अगर दोनों को कोलिनियर करता हूँ तो देखिए दोनों एक ही पाथ में दोनों आ गए। उसके बाद मेरे पास परपेंडिकुलर है, मैं अगर परपेंडिकुलर करता हूँ, अगर मैं ये लाइन सेलेक्ट करके इस लाइन पे परपेंडिकुलर करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर होके आ गई है। वो देखिए थोड़ा सा दूर हो गई है इसलिए वो स्क्रीन से बाहर हो गई थी। अंडू करते हैं, परपेंडिकुलर के बाद मेरे पास आता है पैरेलल। अगर मैं पैरेलल करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये पैरेलल का कंस्ट्रेंट दिख रहा है आपको, रिलेशन है पैरेललिज्म का। इक्वल, अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूँ तो ये अगर लाइन की लेंथ दोनों लाइन की लेंथ के हिसाब से दोनों बराबर लेंथ की हो जाएंगी है, ठीक है। अंडू किया मैंने तो दोनों को फिक्स करना हो तो दोनों फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पे, एंकर कर दिया उसे। तो कुछ इस तरह से रिलेशन आप लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे अगर ये पॉइंट, मुझे इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे फिक्स करना था, तो मैं उस केस में पॉइंट्स पकड़ूंगा, ये एंड पॉइंट पकड़ा और मैंने इस वाली लाइन का ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्सिडेंट का ऑप्शन आता है। कॉन्सिडेंट जैसे करूँगा तो आप देखेंगे वो लाइन पे कॉन्साइड हो गई है, ठीक है। मर्ज करता हूँ तो मर्ज से भी आपके ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर मैं सर्कल और लाइन का सिलेक्शन करता हूँ, सर्कल और लाइन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि लाइन आपकी सर्कल पर टेंजेंट हो गई है। अब ये लाइन को कर्व के लेंथ में इक्वल करना है, अंडू किया, इक्वल टू कर्व लेंथ हो जाएगी। मतलब इसको अगर मैं सर्कल बनाऊंगा इस लाइन से तो पूरी इस लाइन की लेंथ का पूरा सर्कल बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से रहता है। अब दो सर्कल के बीच में किस हिसाब का रिलेशन बनेगा, जैसे मैं सर्कल वन सेलेक्ट करता हूँ, सर्कल टू ये सिलेक्ट करता हूँ, तो दोनों के बीच में मेरे पास एक फोर रेडियल्स एक रिलेशन बनता है कि दोनों के रेडियस बराबर हो जाएंगे। देन मेरे पास टेंजेंसी का ऑप्शन आता है तो सर्कल आपस में टेंजेंट हो जाएंगे। कोसेंट्रिक का ऑप्शन आता है, दोनों के सेंटर सेम हो जाएंगे। इक्वल का ऑप्शन आता है, दोनों के डायमीटर सेम हो जाएंगे। देन इक्वल कर्व लेंथ, दोनों के कर्व लेंथ इक्वल हो जाएंगे, मतलब रेडियस और डायमीटर दोनों के सेम हो जाएंगे। और फिक्स तो आपको बताइए कि फिक्स से जितना भी डायमेंशन रहेगा वो एज इट इज रहेगा, बाकी आपका सर्कल जो रहेगा वो फिक्स हो के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके रिलेशंस बना सकते हैं स्केचेस के साथ, और जो देना चाहें रिलेशन, डिजायर्ड रिलेशन है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे मेरे पास आता है, मैंने आपको पढ़ाऊंगा पहला जो कमांड है एक्सट्रूड बॉस। बॉस और बेस और बाकी के सॉफ्टवेयर्स में इसको पैड बोलते हैं, जैसे कैटिया में पैड बोलते हैं और यूनिग्राफिक्स में एक्सट्रूड बोलते हैं, क्रियो में भी एक्सट्रूड बोलते हैं। कमांड देखो काम करने का सबका तरीका सेम ही है ऑलमोस्ट, मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर चलाए हैं आज तक सब में जो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्विप, बॉस, लॉफ्टेड, मल्टी सेक्शन, सॉलिड, ये सब नाम अलग हो जाते हैं, चलाने का तरीका सेम होता है। ये मैंने 3-4 सॉफ्टवेयर्स में देखा है। तो एक्सट्रूड बॉस के लिए, ठीक है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक स्केच बनाना पड़ेगा।
तो स्केच बनाने के लिए मैं पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और नॉर्मल व्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और स्केच पे जाके स्केच करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैं डायमेंशन दे देता हूँ, जैसे 100, इसको मैंने दे दिया 60। फुल्ली कंस्ट्रेंट करके करते हुए चलूँगा मैं, ठीक है, ये 50। अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है 100 बाय 50 का। अब इसको अगर मुझे एक्सट्रूड करना हो तो मैंने यहाँ पे एग्जिट स्केच का, मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है और एक यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एग्जिट स्केच, तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, ठीक, आपका जो स्केच होगा वो ग्रे कलर से शो करेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि अभी आप स्केचर वर्कबेंच पे नहीं है, ठीक है। स्केचर वर्कबेंच पे होते तो अभी आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट था तो आपको ब्लैक कलर से शो करता, या अगर अंडर कंस्ट्रेंट होता तो आपका ब्लू कलर से शो करता। तो अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ, 3D वर्कबेंच में आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे फीचर मैनेजर, फीचर में, फीचर टूल बार में गए हम, यहाँ पे एक्सट्रूड बेस को सिलेक्ट किया। तो मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो स्केच है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने स्केच को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो पहला ऑप्शन आता है वो है ब्लाइंड, जिस प्लेन पे मैंने स्केच बनाया था मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक्सट्रूड बेस पे क्लिक किया, मैंने स्केच को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने इसको ब्लाइंड रखा, पहला ऑप्शन ब्लाइंड है। मैं ऑप्शन सारे बताऊंगा एक एक करके, मगर जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो जो मेन ऑप्शन है उसको जरा पहले अपन देखते हैं अच्छे से। तो जो ब्लाइंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो स्केच जिस प्लेन पे बना है, मैं यहाँ पे ट्री में प्लेन्स शो करा लेता हूं, और वो कमांड चला हुआ था इस कारण से वो प्लेन शो नहीं हो रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन पे ये आपका स्केच बना हुआ था, उसी प्लेन के नॉर्मल आपका ये कमांड चलेगा, मतलब प्लेन के नॉर्मल चलेगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, जैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख सकते हैं, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं स्केच को सिलेक्ट करता हूँ, तो ब्लाइंड पे क्लिक किया मैंने, अभी मेरा इनिशियल जो ऑप्शन रहेगा वो ब्लाइंड ही रहेगा, ये बाकी के ऑप्शन मैं बताऊँगा आपको, मगर पहले जो मेरा ऑप्शन रहेगा वो ब्लाइंड रहेगा, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन में क्या रहता है कि आपका प्लेन के नॉर्मल आपका स्केच एक्सट्रूड होगा, ठीक है। ये आपका रूलर रूलर दिख रहा होगा, जैसे अगर आप ये डायरेक्शन को क्लिक, मतलब प्रेस करके अगर आप इसको मूव करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रूलर बन के आ रहा है, जो रूलर बन के आ रहा है, ये देखेंगे कि आप ये 5-5 mm पे आपका ये स्नैप करेगा ये, ठीक है। अगर आप इसको जितना पास ले जाएंगे कर्जर को, उतना आपका और प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना इसको एक्सट्रूड करना है उतना आप इसको एक्सट्रूड लेंथ दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने 30 रखा, ठीक, तो 30 mm पे ये आपका एक्सट्रूड हो गया है, ठीक। अब इसमें मेरे पास अगर मुझे प्लेन अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में करना हो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रही है, इसको मैं डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। इसको जितना आप चाहें उतना आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, मैं इसकी डायरेक्शन वापस से चेंज कर देता हूँ। इसमें मेरे पास और एक चीज़ आती है, जैसे कि ये आता है ड्राफ्ट, अगर मैं इसमें ड्राफ्ट को ऑन करता हूँ और मैं इसमें कुछ ड्राफ्ट एंगल बढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें ये 10 डिग्री का ड्राफ्ट आ गया है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप ड्राफ्ट दे सकते हैं इसमें चाहें तो, अभी के लिए मैं इसको, और इसमें ड्राफ्ट में भी आप ड्राफ्ट इनवर्ड हो रहा है, अभी आउटवर्ड करना हो ड्राफ्ट तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ड्राफ्ट आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बंद रखता हूँ,
इसमें और आगे देखते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे डायरेक्शन टू। जैसे ही अभी मैंने बोला था कि आपके पास दो डायरेक्शन है, एक प्लेन के पॉजिटिव साइड और एक प्लेन के नेगेटिव साइड। तो अगर मैं डायरेक्शन टू को मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, चेक बॉक्स पे क्लिक करके, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये डायरेक्शन टू ऐड हो गई है। और मैं अगर यहाँ से कुछ इसको लेंथ बढ़ाना देना चाहूँ तो आप इसकी लेंथ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आप इसको ड्राफ्ट देना चाहें, इसको आप ड्राफ्ट दे सकते हैं। एक साइड ड्राफ्ट देना है या दूसरी साइड मुझे ऐसे ही प्लेन रखना है तो मैं प्लेन रख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओके प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक सॉलिड बनके, सॉलिड बॉडी बनके आ जाएगी। अब देखते हैं कि ये तो मेरे पास क्या हुआ था कि मैंने जो स्केच बनाया था फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, मैंने स्केच पे क्लिक करके मैंने एडिट स्केच पे क्लिक किया। ठीक है, ये कुछ स्केच था मेरे पास। अब इसमें देखते हैं कि मेरे पास ये जो प्रोफाइल था, ठीक, इस प्रोफाइल में अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सेंटर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को मैंने डायमीटर दे दिया फॉर एग्जांपल 36। ठीक है, मैंने सर्कल को डायमीटर दिया। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ स्केचर वर्कबेंच को, और मैं इसको एक्सट्रूड करके देखता हूँ। स्केच को सिलेक्ट किया तो अभी देख रहे हैं कि इसने एक ही प्रोफाइल सिलेक्ट करी, सात। अभी इसने क्या किया कि सिर्फ रेक्टेंगुलर प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, मुझे चाहिए था कि सर्कुलर प्रोफाइल को भी साथ में सिलेक्ट करे। जैसे ही मैं सिलेक्टेड कंटूर्स में जाके सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने दोनों प्रोफाइल को सिलेक्ट करके एक ऑपरेशन चला दिया है कि ये सॉलिड बॉडी में एक होल बना के दिखा दिया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जितने भी अगर आपकी क्लोज प्रोफाइल रहेंगी, वो क्लोज प्रोफाइल के अंदर आपने एक और क्लोज प्रोफाइल बना दिया है। ये सभी सॉफ्टवेयर के अंदर है, CATIA के अंदर भी था, मैंने CATIA की क्लास में भी बताया था ये चीज़ कि अगर किसी भी क्लोज प्रोफाइल के अंदर एक और क्लोज प्रोफाइल बन जाए तो सॉफ्टवेयर उसको होल की तरह काउंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर एक और होल बना दिया, इस पे जाते हैं एडिट स्केच करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर एक मैंने यहाँ पे स्केच कर दिया है। एग्जिट वर्कबेंच करेंगे, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर को पहले मैंने क्लियर सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इसको मैं लेंथ देता हूँ 20। ओके प्रेस किया, अब देखेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर होल भी है और एक सर्कुलर होल भी है यहाँ पे। ठीक, ये तो हो गई कि मेरे को एक प्रोफाइल क्लोज प्रोफाइल के अंदर दूसरी क्लोज प्रोफाइल थी, तीसरी क्लोज प्रोफाइल थी। अब मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं कि और क्या होता है इसके अंदर। एडिट स्केच पे चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, अब एक्सट्रूड बाय एरिया के थ्रू एक्सट्रूड कैसे करूंगा मैं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास दो प्रोफाइल है मेरे पास जो कि एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ये समझ लो। मैंने एक्सट्रूड बॉस चलाया। ठीक है, मैंने इसको प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, इस स्केच कंट्रोल को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे ही क्लियर किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है अभी, जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर ले जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगल जो सर्कल से जितना इंटरसेक्ट हो रहा था ये उतना एरिया काउंट कर रहा है, जितना ये जो एरिया इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा था वो आर्क के थ्रू इसको क्लोज करके एक एरिया बना रहा है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से एक एरिया अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके पास शेप एक बन के आ जाएगा। वही चीज़ सर्कल के साथ भी है, सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपका एक सर्कल बन के, सर्कल का एरिया बन के आ जाएगा।
ठीक। तो इस तरह से आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है कि जैसे ऑप्शन नहीं मतलब हाँ कंडीशन है मेरे पास एक और कि ये तो हो गई तक क्लोज प्रोफाइल की बात। अब इसमें अगर मेरे को जैसे मान लो कि मेरे पास ये एज जो है मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, मैंने एक साइड इसका डिलीट कर दिया, एग्जिट किया, ठीक है, एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक किया मैंने, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। अब ये प्रोफाइल मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास प्रोफाइल था ओपन प्रोफाइल था, तो ओपन प्रोफाइल जब भी होगा तो वहाँ पे लगेगा आपका थिन फीचर। थिन फीचर बेसिकली क्या है कि थिन फीचर आपकी कितनी किसी भी ओपन प्रोफाइल में आपको थिकनेस दे देगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि थिकनेस आपकी कितनी दे रहा है, ये 10 mm, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 mm कर देता हूँ, ठीक है, ये 2 mm की थिकनेस मैंने इसको दी है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ठीक है, अभी के लिए मैंने 20 mm ही रख दिया। मैंने ये प्रोफाइल में आपकी अंदर की तरफ थिकनेस बढ़ रही है, अभी जो स्केच था, ठीक है, इसको मैं फ्रंट व्यू पे क्लिक करता हूँ, स्केच जो था आपका, स्केच से अंदर की तरफ आपकी थिकनेस बढ़ रही है। अब अगर मैं थिकनेस यहाँ पे आप देखेंगे थिन फीचर के अंदर वन डायरेक्शन है, अगर इसको मिड प्लेन रखता हूँ तो आपका जो स्केच रहेगा वो बीच में रहेगा, और जो 2 mm की थिकनेस है वो आपकी 1 mm अंदर की तरफ, 1 mm बाहर की तरफ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मिड प्लेन के बाद मैंने अगर 2 डायरेक्शन रखा, ठीक है, तो 2 डायरेक्शन में आपकी थिकनेस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक थिकनेस हो जाएगी जो बाहर की तरफ है, वो 10 mm दिखा रहा है जो ज़्यादा है, इसको मैं 1 mm या 2 mm रख देता हूँ। अब देखेंगे 2 mm 2 mm इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने। अलग अलग थिकनेस पे भी आप इस पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 mm दे दिया, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैंने फिलहाल अभी के लिए मैंने इसको 1 डायरेक्शन ही रखा है, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि ऑटो फिलेट, जैसे ऑटो फिलेट कॉर्नर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 mm मैं इसको 4 mm का फिलेट ऑटो फिलेट कॉर्नर देता हूँ, और आप चाहें तो इसको प्रिव्यू करके देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिव्यू करके आप इसको देखना चाह रहे हैं। हाईलाइट कुछ ज़्यादा ही अगर चमक रहा हो अगर आपकी आंखों में, तो इसको ऑफ कर दीजिए, तो आप इस तरह से आप इसका प्रिव्यू देख सकते हैं। मैंने इसको वापस से ऑन किया, देन प्रिव्यू ऑफ करके देखा मैंने, देन ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ओपन प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो जाएगी थिन फीचर के रिस्पेक्ट में। मतलब जितनी भी प्रोफाइल होंगी जो ओपन रहेंगी उसको आप थिन फीचर के थ्रू ही एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सट्रूड बॉस का एक कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कोई डाउट हो तो वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप शेयर करना, तो मैं उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अपनी तरफ से बना के दूँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक्सट्रूड फीचर के और फीचर्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।